अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का जिस चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसी पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पर जो है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है या थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स की, उसको हम नाम कैसे देंगे। मोनोमीन वन सब्स्टिट्यूटेड का मतलब के जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, के बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ग्रुप लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स, सो बेंजीन का हम लोग क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव। मसलन दिस इज द बेंजीन रिंग, और हर बेंजीन रिंग में सिक्स कार्बन एटम्स, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और हर कार्नर पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ। फॉर एग्जांपल इस कार्नर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां हम लोग एक ग्रुप लगा रहे हैं CH3, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया, रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को, तो बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। और अगर एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां CH3 लगा देंगे तो बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। और अगर हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां CH3 लगा देंगे तो बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को हमने नाम देना है प्रीफिक्स करके, और प्रीफिक्स हमने क्या करना है, बेंजीन का नेम। सो वी कैन से दैट हमने बेंजीन को फिक्स करना है, बेंजीन वर्ड को फिक्स करना है। और पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखकर और एंड में हम लोग क्या वर्ड डालेंगे, बेंजीन का वर्ड डालेंगे। और ये जो हम नाम लिखेंगे उसका होल वर्ड वन नेम ही होना चाहिए, मतलब दरमियान में हम लोग कोई गैप शैप नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। जो हम नाम लिखेंगे उसका कंप्लीट वन वर्ड होना चाहिए। मसलन अब हम यहां इसकी एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बेंजीन रिंग और यहां हमारे CH3 लगा हुआ है। तो आप देखें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ एक बेंजीन रिंग है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली क्या है, मिथाइल, और एंड में प्रीफिक्स करेंगे किसको, बेंजीन के वर्ड को। तो अब आप देखें हमने दोनों वर्ड्स को मिलाकर लिखा वन वर्ड में, तो नाम क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। अब इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेंजीन रिंग और इसके साथ हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ C2H5 इथाइल का, जिसे हम CH2CH3 का भी नाम देते हैं। अभी आप देखें सब्स्टिट्यूएंट का पहले नेम लिखेंगे इथाइल, और साथ में पीछे क्या बचा, बेंजीन, तो नाम क्या बना, इथाइल बेंजीन। सो अभी हम एक और सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं सीरीज वन, तो यहां हमने क्या लगाया, Cl, तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को नाम दो क्लोरो, और बाद में प्रीफिक्स करना, आपने फिक्स करना है क्या नेम, बेंजीन का, क्लोरो बेंजीन। और इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहां हमारा क्या NO2 लगा हुआ, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, पहले इसका नेम NO2, कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रो, और पीछे क्या बचा, बेंजीन, सो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम बना। और इसी तरीके से एक और वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम यहां लगा रहे हैं एक ये वाला ग्रुप CH3, और इस साइड पे क्या लगा हुआ, CH3। सो इतने ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोप्रोपाइल का। इसलिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आइसोप्रोपाइल, और फिर साथ में क्या लगाएंगे, बेंजीन। So, इस तरीके से आपने देख लिया, सिंपल कहानी क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखें और बाद में बेंजीन का वर्ड जो है फिक्स कर दें, और इसको होल वर्ड एक ही लिखें। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड रूल अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे बहुत सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है उनको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल नेम दे सकते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल नेम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल नेम जो है वो दे सकते हैं, और वही जो स्पेशल नेम हम इनको देंगे वही इनके क्या होंगे, पेरेंट नेम्स होंगे। क्या होंगे, पेरेंट नेम्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर आर सर्टेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव अ स्पेशल नेम्स, और वही स्पेशल नेम्स हमारे क्या होंगे, पेरेंट नेम्स होंगे। मसलन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अभी हम जैसे देख चुके हैं, अभी मिथाइल बेंजीन, तो इसका भी स्पेशल नेम बनेगा, और कौन सा बनेगा, टॉलीन, कौन सा नेम बनेगा, टॉलीन। तो ये क्या हुआ, इसका स्पेशल नेम, अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा हुआ है तो स्पेशल नेम उसका क्या बनेगा, टॉलीन बनेगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है OH,
तो इसका जो नेम बनेगा पहले वाला फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी बेंजीन और स्पेशल एड इसका क्या बनेगा फिनोल, स्पेशल एड क्या बनेगा फिनोल। अभी इसी तरीके से एक और देखें तो अभी ये देखें NH2 है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा अमाइनो बेंजीन और इसका स्पेशल नेम क्या होता है एनिलीन, क्या नाम होता है एनिलीन। और इसी तरीके से जरा एक और एग्जांपल देखें तो इधर हमारा क्या लगा सी डबल एच, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा कार्बोक्सिल बेंजीन, कार्बोक्सिल बेंजीन और स्पेशल नेम इसका क्या होता है बेंजोइक एसिड, क्या नाम बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग हो और उसके साथ लगाओ सी एच ओ, क्या लगाओ सी एच लगाओ, तो इसका जो नेम बनेगा वो बनेगा बेंजीन कार्बनोल फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। और स्पेशल नेम इसका क्या होता है बेंज एल्डिहाइड, क्या होता है बेंज एल्डिहाइड जो है वो क्या होता है इसका स्पेशल नेम होता है। और इसी तरीके से एक हमारा ये और बेंजीन रिंग है और उसके साथ हमने लगाया हुआ है एस ओ थ्री एच और इसका स्पेशल नेम जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये हमारा क्या होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है तो इसलिए इसका नाम क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो इसका स्पेशल नेम बनेगा। थर्ड रूल देखने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि अगर हम बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे मतलब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बाकी बचेगा C6H5 और इसे जो हम नाम देंगे दैट इज अ फिनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है फिनाइल। और इसको हम रिप्रेजेंट इसे भी करते हैं पीएच से फिनाइल और आज हम लगाएंगे इसके स्लैश। तो अगर हम फिनाइल को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो हमारा बनेगा एराइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यहां हमारा बना ये वाला ग्रुप, हमने क्या किया एक हाइड्रोजन को जो है वो बाहर निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को क्या किया बाहर निकाल दिया यहां से। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो हमारे पास ये बनेगा फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन तो पहले हमने यहां से निकाला हुआ था, अब एक हाइड्रोजन हमने यहां से निकाला तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे एराइल का नाम देंगे, एराइल का नाम देंगे जिसे एआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम देखेंगे थर्ड रूल कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा बेंजीन रिंग में तो हमारे पास थ्री आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे थ्री आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनको हम लोग देंगे डिफरेंट नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मसलन दिस इज वन बेंजीन रिंग और ये हमारा क्या है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव और इसमें सेकंड सब्स्टिट्यूट हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये वाला। अब एक बात याद रखें अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ दो मिथाइल लगे हो उसे हम लोग नाम देते हैं ज़ाइलीन का, ज़ाइलीन का नाम देते हैं। अब देखेंगे एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया और सेकेंड प्रोडक्ट विल बी दिस वन, तो ये हमारा बेंजीन रिंग यहां हमारा CH3 और यहां हमारा क्या लगा होगा CH3, अब ये भी बेंजीन रिंग है दो मिथाइल ग्रुप है तो इसे भी हम लोग नाम क्या देंगे ज़ाइलीन का नाम देंगे। सेम इज द केस विद द थर्ड प्रोडक्ट, दिस इज द बेंजीन रिंग और एक हमारा मिथाइल ग्रुप यहां लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां लगा हुआ, इसमें भी दो मिथाइल ग्रुप है बेंजीन के रिंग के साथ लगे हुए तो ज़ाइलीन का नाम देंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब इसकी करते हैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 1, 2 जो पोजीशन होगी उसे हम लोग नाम देंगे R2 का, 1, 2 जो पोजीशन होगी उसे हम लोग नाम देंगे R2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो 1, 3 होगी 1, 3 उसे हम लोग नाम देंगे बेटा का, बेटा का और जो हमारी 1, 4 होगी उसे हम लोग नाम क्या देंगे 4, 5 एंड 6 उसे हम लोग नाम क्या देंगे पैरा का। सो R2 को हम लोग O से जाहिर करते हैं, बेटा को M से जाहिर करते हैं और पैरा को P से जाहिर करते हैं। यहाँ एक और सिंपल सी बात यह है कि अगर 1, 2 R2 है तो इसकी जो हमारे पास एडजेसेंट होगी वो वाली हमारी बेटा होगी, तो ये वाली R2 है और इसकी एडजेसेंट जो वो क्या है बेटा है, अब ये R2 है ये वाली R2 है तो इसकी एडजेसेंट जो होगी वो क्या होगी बेटा होगी और जो बेटा के साथ लगी होगी एडजेसेंट होगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे पैरा का नाम देंगे। सो दिस वन इज अ R2 और इसकी एडजेसेंट बेटा और एडजेसेंट पैरा, ये R2 इसकी एडजेसेंट बेटा और इसकी ये वाली क्या होगी पैरा होगी। तो अब देखें ये हमारा 1, 2 पे लगा हुआ इसलिए हमने इसे R2 का नाम दिया, अब देखें ये हमारा कहां लगा हुआ 1, 3 पे तो 1, 3 पोजीशन क्या होती है बेटा इसलिए हमने इसे बेटा ज़ाइलीन का नाम दे दिया और अब देखिए 1 और 4 पे लगा हुआ तो 1, 4 पोजीशन कौन सी होती है पैरा इसलिए हमने यहां पी का नाम दे दिया। ये तीनों के तीनों जो है उसके क्या है कॉमन नेम्स है, अब हमने दे दिए IUPAC नेम्स।
सो पोजीशन मेंशन कर लिए, देखें वन पे मिथाइल है, टू पे मिथाइल है, तो क्या मतलब वन कोमा टू, नंबर को नंबर से अलग करने के लिए कोमा और नंबर को वर्ड से अलग करने के लिए हाइफन, सो वन टू कितने मिथाइल है, दो मिथाइल, इसलिए ढाई, और देखें ये नंबर है ये वर्ड है, सेपरेट करने के लिए हमने हाइफन लगाया और दो मिथाइल है, सो वन टू डाई मिथाइल और साथ में क्या लिखेंगे बेंजीन, और सेम इज द केस यहां देखें वन थ्री पे, वन पे मिथाइल है, थ्री पे मिथाइल है, तो वन थ्री डाई मिथाइल और साथ में क्या आएगा बेंजीन, और इसमें देखें कहां लगा हुआ है वन एंड फोर पे, सो दो मिथाइल है इसलिए डाई यूज करेंगे, सो वन फोर डाई मिथाइल और इधर हमारा क्या आ जाएगा बेंजीन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट, ये मेटा और यही पैरा प्रोडक्ट, यही तो हमने कहा था कि अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा बेंजीन रिंग में तो थ्री आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनको हम लोग क्या नाम ऐसे, सो अभी हम देखते हैं फोर्थ रूल्स, फोर्थ में कुछ अलग ही केस है कि अगर हमारे पास टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे है जो क्या है डिफरेंट है, अभी हमने केस देखा था दो थे बट दोनों ही क्या थे मिथाइल से सेम थे, तो हमने उस तरीके से नाम दे दिया, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और वो दोनों के दोनों डिफरेंट है तो फिर हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, पोजिशन पहले किसको देंगे, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर, तो फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा उसे नंबर वन देंगे और जब नाम लिखेंगे तो नाम में उसे बाद में लिखेंगे, और ये हमारा क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर, और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है, और इसका मैंने एक निमोनिक सा निकाला हुआ है वो आपने याद कर लेना है, इससे बनेगा सोच और इससे बनेगा सना, सच्ची और सुच्ची, और इसके लिए आप लोग ये लिखेंगे, फिर ओ नचे NH2 और R, अब देखें ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हमारा सियानो ग्रुप है, और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, और ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, ये माइनो ग्रुप है, और दिस वन इज एन अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, तो याद कैसे रखेंगे ऐसे सोच, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे सना, और इसके लिए आप लोग याद रखेंगे सच्ची, और इसके लिए आप लोग सोची सोची, और इसके लिए आप लोग याद रखेंगे ओ, और इसके लिए आप लोग याद रखेंगे नच्या, और इसके लिए आर, और इसके लिए भी सिंपल आर, इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, सायनो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, अब हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल, जो पहले आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में उसे हम लोग क्या देंगे नंबर वन, मसलन दिस इज द बेंजीन रिंग और यहां हमारे पास लगा हुआ NH2 एंड हियर विल बी आर CHO, अब देखिए दोनों ही प्रायोरिटी ग्रुप में अमाइनो भी है और साथ में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी है, सो पहले कौन आ रहा है CHO, सो यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वन, अब दो पॉसिबिलिटीज है, यहां पर आप लोग यहां से जाए इसे टू नंबर दें या इधर से टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे नंबर दें, बट अकॉर्डिंग टू द रूल आपने उस साइड पे इसे लेके जाना है जिस साइड पे इसे कम से कम नंबर मिले, सो इधर से तो सिक्स पोजीशन गेन कर रहा है, इधर से आएंगे तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है और कौन सा मिल रहा है टू, तो इसलिए हम जाएंगे इस साइड पे, तो आप देखें नंबर वन प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर वन दे दिया और उसे टू दे दिया, अब जो बाद में आ रहा है उसे आपने नाम लिखते हुए पहले लिखते हैं, सो टू अमाइनो, टू अमाइनो, इसको आप लोग भूल जाएं तो पीछे आपने अभी देखा है अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ सीएच लगा हो, सीएचओ लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसका नाम क्या होता है बेंज एल्डिहाइड, सो टू अमाइनो बेंज एल्डिहाइड बनेगा इसका नेम, एक और एग्जांपल, दिस इज द बेंजीन रिंग और इसके साथ हमने लगाया यहां सी डबल ओ एच और इस पोजिशन में हमने लगाया हुआ ओ एच, अब आप देखें अच्छे से सी डबल ओ एच भी है और ओएच ग्रुप भी है, सो पहले कौन आ रहा है सी डबल ओ एच, सो नंबरिंग को कहां से यहां से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इस साइड से आए इस साइड से, इस साइड से आए तो वन टू थ्री फोर, इस साइड से भी वन टू थ्री फोर, जिस साइड से मर्जी आ जाए दोनों साइड से इक्वल नंबर ही मिल रहा है, सो पहले किसको लिखेंगे जो बाद में आ रहा है, सो बाद में कौन आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम लोग इसकी पोजिशन भी मैंशन करेंगे, सो फोर हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाए, बेंजीन रिंग हो और इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसे हम लोग स्पेशल नेम क्या देते हैं बेंजोइक एसिड का, सो फोर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है इसका क्या बन जाएगा नाम बन जाएगा आयन पेयर नेम, अभी हम देखते हैं रूल नंबर फाइव, वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर हमारे पास टू सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होने के साथ साथ एक और कंडीशन भी है कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है नहीं है, जैसे अभी हमने जो वो प्रायोरिटी ऑर्डर देखा उसमें नहीं है, तो उनको नाम कैसे देंगे? उनको हम नाम देंगे अल्फाबेटिकली। सो दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, जो पहले आएगा वो पहले नंबर पाएगा। सो दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, और जो उनमें लास्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा जो बाद में आएगा उसे पोजीशन हम लोग क्या देंगे? वन देंगे। उसे पोजीशन और नंबर क्या देंगे? हम लोग वन देंगे। मसलन हियर विल बी आ बेंजीन रिंग और उसके साथ लगा हुआ यहां आई आयोडीन, और इस पोजीशन पे लगा हुआ है सीएल। अब आप देखें आयोडीन और क्लोरीन हैलोजन है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है और दो सब्स्टिट्यूएंट है, अब इनको नाम देंगे अल्फाबेटिकली। तो आप देखें क्लोरो हमारा स्टार्ट होगा सी से और आयोडो मतलब आयोडीन हमारा स्टार्ट होगा आई से। सो बाद में कौन आ रहा है? आयोडीन। सो उसे पोजीशन क्या देंगे? वन। सो वन टू थ्री। तो देखें जो बाद में आ रहा था उसे तो हमने पोजीशन क्या दी है? वन दिया है। नंबर क्या दिया है? वन दिया है। अब आप देखें जो नंबरिंग में बाद में आ रहा है उसे नाम में पहले लिखेंगे। सो नंबरिंग में बाद में कौन आ रहा है? क्लोरीन। सो थ्री क्लोरो और बाद में क्या आएगा? आयोडो और साथ में पीछे क्या बचेगा? बेंजीन। सो थ्री पे क्लोरो फिर आयोडो फिर बेंजीन। एक और एग्जांपल, दिस इज द बेंजीन रिंग और इस पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा NO2 नाइट्रो ग्रुप और इस पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा ब्रोमीन BR ग्रुप। तो देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? ये हमारा ब्रोमीन है तो B से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है। सो बाद में कौन आ रहे हैं? नाइट्रो। सो इसलिए इसे नंबर क्या देंगे? 1 और इसे 2 3 4 5 एंड 6 1। तो अब देखिए जो बाद में आ रहा है उसे अपने नेम में पहले लिखना है। सो 2 और साथ में क्या आएगा? ब्रोमो, टू ब्रोमो और फिर नाइट्रो, टू ब्रोमो नाइट्रो और साथ में क्या है? बेंजीन। साथ में क्या है? बेंजीन। सो टू ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, सिंपल सा हमने ठीक याद रखा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है उसे नंबर वन और उससे नाम लिखते हुए क्या लिखेंगे? बाद में। और जो नंबरिंग में बाद में आ रहा है जब आपने नाम लिखना है उसे आपने क्या लिखना है? पहले लिखना है। अभी हम देखते हैं रूल नंबर 6। So, 6 में यह है कि अगर हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और वो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है और उस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग नाम दे सकते हैं स्पेशल नेम। क्या नेम दे सकते हैं? स्पेशल नेम। तो वो वाला जो स्पेशल नेम होगा उसी नाम को हम लोग क्या यूज करेंगे? एज अ पेरेंट नेम, एज अ पेरेंट नेम हम यूज करेंगे। मसलन दिस इज द बेंजीन रिंग और उसके साथ यहां लगा हुआ है NH2 और यहां लगा हुआ है OH। अब हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले हमारा हाइड्रोक्सिल था, बाद में हमारा अमाइनो था। सो इसलिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1 2 3 4। अब आपको पता है अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो और उसके साथ OH लगा हो तो हम लोग नाम क्या देते हैं? फिनोल का। नाम क्या देते हैं? फिनोल का। तो अब देखिए इसकी हमें नंबरिंग शो करवानी, पोजीशन को 4 कार्बन पे ये लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप। सो 4 अमाइनो और साथ में फिनोल। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी वही है, अगर बेंजीन रिंग हो उसके साथ NH2 लगा हो तो उसे हम लोगों ने नाम दिया था एनिलीन का। हमने एनिलीन यहां क्यों नहीं यूज किया स्पेशल नेम? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? OH। तो इसलिए हमने यहां क्या यूज करना है? फिनोल को जो है वो एज अ स्पेशल नेम जो है वो ट्रीट करना है, नॉट एनिलीन। एक और एग्जांपल, दिस इज द बेंजीन रिंग और यहां लगा हुआ है ग्रुप SO3H और यहां लगा हुआ है क्लोरीन। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? ये पहले आता है, सो इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसे आप लोग क्या लिखेंगे? बाद में। सो आपने देखा था अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ SO3H तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। सो 4 पे क्या है? क्लोरो। सो 4 क्लोरो, नेक्स्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका क्या बनेगा? स्पेशल नेम। एंड वन मोर, दिस इज द बेंजीन रिंग और इस पोजीशन में लगा हुआ है हमारा मिथाइल ग्रुप और इस पर आई लगा। और आपको पता है अगर बेंजीन रिंग हो और इसके साथ CH3 लगा हो तो हम स्पेशल नेम क्या देते हैं? रूल नंबर 2 में हमने देखा टॉलिन। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फिर ऑटोमेटिकली यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आपको पता है जो नंबर में बाद आ रहा है, बाद में आता है, उसे पहले हमने लिखना है। सो 2 आयोडो और आई को खत्म करें कुछ देर के लिए, तो पीछे क्या बचा? टॉलिन। 2 आयोडो टॉलिन जो हमने इसे क्या दे दिया? नाम दे दिया। स्पेशल नेम इसमें क्या है? टॉलिन।
और इसमें स्पेशल नेम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसमें स्पेशल नेम क्या है, फिनोल। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेंजीन। सो स्टे कनेक्टेड विद योर होस्ट चैनल इल डॉट।